एक राष्ट्र के नागरिक के तौर पर हमारा कर्तव्य है कि हम अपने इतिहास के उन सभी गौरवशाली व्यक्तित्व के बारे में न सिर्फ कुछ तथ्य जानें, बल्कि उनके जीवन की ऐसी सभी छोटी बड़ी घटनाओं, उनके जीवन के रोचक प्रसंगों और उनके साहसपूर्ण कार्यों को भी जानें। भारत की इसी गौरवशाली परंपरा में से आज हम एक ऐसे साहसी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने 1857 में भारत की स्वतंत्रता के लिए पहली चिंगारी जलाई। एक विशाल और ताकतवर शत्रु से भी उनके मजबूत इरादे और शौर्य की नींव ने देशभक्तों में एक अद्भुत और अटूट उत्साह को जागृत किया। उनके शौर्यपूर्ण विद्रोह ने देशवासियों को एकजुट किया और स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे मंगल पांडे की, जिन्होंने न सिर्फ भारतीय स्वतंत्रता के किसी एक आंदोलन में भाग लिया बल्कि उनके प्रयास ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। कहते भी हैं कि इतिहास में गूंजता एक नाम है मंगल पांडे, शेर की दहार का जस था जिसमें वो थे मंगल पांडे। छोटी सी उम्र में देश के लिए शहीद हुए जवान थे मंगल पांडे, आज भी जो रोंगटे खड़े कर दे ऐसे विचार के धनी थे मंगल पांडे। तो आइए हम सभी अपने देश के ऐसे सभी बलिदानों को सम्मान और आभार दें जो हमारी धरोहर हैं, जिसे हमें याद रखना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। वह सरयू पारिन ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और मां का नाम अभय रानी पांडे था। उनके बचपन का नाम मकरंद पांडे था। माना जाता है कि मंगल पांडे हनुमान और शिव के अनन्य भक्त थे। 1849 में मात्र 22 वर्ष की उम्र में वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन की 34वीं रेजिमेंट में पैदल सेना के सिपाही के रूप में भर्ती किए गए। इस रेजिमेंट में ज्यादातर ब्राह्मणों को ही भर्ती किया जाता था। मंगल पांडे एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। उन्होंने एक अंग्रेज सिपाही के रूप में भर्ती होने के बाद भी अपने काम को महान कार्यों की ओर एक कदम के रूप में देखा था। इतिहासकार लिखते हैं कि मंगल पांडे जिस बैरकपुर छावनी में सिपाही थे वह उस समय सबसे शांत छावनियों में से एक माना जाता था। यही कारण है कि 1857 की शुरुआत में कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस छावनी से ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का पहला बिगुल बजाया जाएगा। 29 मार्च 1857 का दिन भारतीय इतिहास का एक ऐसा दिन जहां वर्षों से चली आ रही गुलामी और अत्याचार के खिलाफ एक ऐसे कर्मयोगी ने अपने भविष्य की परवाह न करते हुए ऐसा कदम उठाया कि देश उस चिंगारी की शुरुआत कर सका जो कालांतर में अंग्रेजों के भारत से बाहर जाने तक प्रज्वलित होता रहा। मशहूर इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी अपनी किताब डेडलाइन 1857 रिवोल्ट अगेंस्ट द राज में लिखते हैं कि उस समय मंगल पांडे ने अपनी रेजिमेंट का कोट तो पहन रखा था लेकिन पतलून की जगह उन्होंने धोती पहन रखा था। वो नंगे पैर थे और उनके पास एक भरी हुई बंदूक थी। उन्होंने चिल्लाकर वहां पहुंच चुके सैनिकों से कहा, फिरंगी यहां पर हैं, तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? इन गोलियों को काटने भर से हम धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएंगे। धर्म के खातिर उठ खड़े हो। तुमने मुझे ये सब करने के लिए उकसा तो दिया लेकिन अब तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो। मंगल पांडे के इस बगावती तेवर की वजह थी अंग्रेज सेना में इनफील्ड P-53 राइफलों में इस्तेमाल की जाने वाली गोलियां। 1856 से पहले भारतीय सिपाही ब्राउन बीज नाम की बंदूक का इस्तेमाल करते थे। 1856 में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के लिए नई बंदूक लाई गई लेकिन इस बंदूक को लोड करने से पहले कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। भारतीय सिपाहियों के बीच यह बात फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। सिपाहियों का मानना था कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। 2 फरवरी 1857 को बैरकपुर में शाम की परेड के दौरान 2nd नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने इनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल किए जा रहे कारतूसों के प्रति अपनी असहमति जताई। यह असहमति सबसे मुखर रूप से बुरहानपुर में तैनात 19 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के तरफ से आया। हालांकि जल्द ही खबर आई कि बैरकपुर में भी एक टेलीग्राफ दफ्तर को जला दिया और अंग्रेज अफसरों के घरों पर आग लगे तीर छोड़े गए। इस घटना पर JWK ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार में लिखा है कि शायद इसका संबंध उस जमाने में बहु प्रचलित इस अफवाह से था कि पलासी की लड़ाई के 100 साल बाद यानी 1857 में भारत में ब्रिटिश राज का अंत हो जाएगा।
9 फरवरी 1857 को जब इस राइफल को सेना में बांटा गया, सबको इसका उपयोग करना सिखाया जा रहा था। जब अंग्रेज अफसर ने इसे मुंह से लगाकर बताया तो मंगल पांडे ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस पर उन्हें अफसर के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। इस घटना के बाद उन्हें सेना से निकालने का फैसला लिया गया। इस घटना पर पीजी ओ टेलर ने अपनी किताब में लिखा है, हालात देखते हुए ह्यूसन और बो दोनों ने अपनी तलवारें निकाल ली। उनके पास तलवारों के अलावा उनकी पिस्टल भी थी। मंगल पांडे ने बो और ह्यूसन दोनों पर अपनी तलवार से हमला किया। वहां मौजूद सभी भारतीय सैनिक ये तमाशा देखते रहे। उनमें से कोई भी अंग्रेज अफसरों की मदद के लिए नहीं आया सिवाय शेख पलटू के। उसने मंगल पांडे की कमर को पीछे से पकड़ लिया। नतीजा ये हुआ कि दोनों अंग्रेज अफसर बच निकलने में कामयाब हो गए। इतने में घटनास्थल पर 34 नेटिव इन्फेंट्री के कमांडर अफसर कर्नल एस जी वेलर भी पहुंच गए। उन्होंने वहां मौजूद सैनिकों से मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्हें बाद में गिरफ्तार कर मौत की सजा सुना दी गई और 8 अप्रैल 1857 को सुबह 5:30 बजे उनके सैनिक साथियों के सामने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। पहले मंगल पांडे की फांसी की तारीख 18 अप्रैल निर्धारित की गई थी, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि कहीं ये विद्रोह दूसरे इलाकों में ना फैल जाए, इसीलिए उन्होंने मंगल पांडे को 10 दिन पहले ही फांसी पर लटका दिया। 1857 के विद्रोह में जान देने वाले मंगल पांडे पहले भारतीय थे। एक महीने बाद असहमति और नफरत की ये भंगिमा उत्तर भारत की कई सैनिक छावनियों में विद्रोह के रूप में परिलक्षित हुई और अंग्रेज सैनिकों ने विद्रोही सिपाहियों को मंगल पांडे के जाति का नाम पेंडीज से संबोधित करना शुरू कर दिया। मंगल पांडे की मौत पर कलकत्ता से पटना और पूरे गंगा के दोआब में शोक मनाया गया। 5 अक्टूबर 1884 को भारत सरकार ने मंगल पांडे के सम्मान में एक पोस्टेज स्टाम्प चालू किया जिसमें उनकी फोटो भी अंकित थी। 2005 में आमिर खान अभिनीत मंगल पांडे दी राइजिंग स्टार नाम से उनके जीवन परिचय पर आधारित एक फिल्म भी बनाई गई। इसके अलावा 2005 में ही हैदराबाद के एक थिएटर में दी रोटी रिवेलियन के नाम से मंगल पांडे के जीवन की कहानी लोगों को दिखाई गई। मंगल पांडे ने जिस चिंगारी की शुरुआत की थी उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में 90 साल का लंबा सफर तय करना पड़ा। शुरुआत उनकी थी जिनसे प्रेरणा लेकर लाखों लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े और इसी सब के चलते 1947 को हमें आज़ादी का स्वाद चखने को मिला। ऐसे महापुरुष को पूरा देश नमन और सलाम करता है। दोस्तों, उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हम आगे भी अपने देश के ऐसे नायकों की कहानियाँ आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।